एक सवाल लेकर इस सफर पर निकला था कि भारत के भविष्य के निर्माण के लिए हम आज क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या रच रहे हैं, कैसे उठते हर कदम में, जुड़ते हर हाथ में, नई उम्मीदों में और नई ऊंचाइयों में हमारे भारत का भविष्य संवर रहा है। गुलशन है जिनके दम से रश के जला हमारा हमारा। सवाल है ही ऐसा, इसमें क्रांतिकारियों का रोमांच भी है और कुछ कर गुजरने का रोमांच भी। आखिर न्यू इंडिया की इस तस्वीर में आप कौन सा रंग भरना चाहते हैं? एक औरत के लिए पक्का मकान होना बहुत जरूरी है। मैं एक किराए के मकान में एक कमरे में रहती थी जो कि अंदर रसोई और टॉयलेट था। आज मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिनकी मदद से आज मेरा अपना घर बना है। यह घर मेरे लिए बहुत मायने रखता है और सरकार ने दिया है। मेरे लिए पानी का कनेक्शन भी हो गया, बिजली का कनेक्शन भी हो गया, गैस का कनेक्शन भी हो गया। प्रधानमंत्री आवास योजना से मुझे घर मिला, गैस, टॉयलेट और पानी का कनेक्शन सब मिला। मैं बहुत खुश हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना जिसके द्वारा जो लोग गरीब लोग झोपड़पट्टी में रहते उनकी एक अच्छा डिग्निटी हाउस बनाने का जो केंद्र सरकार का जो योजना है उसी के साथ हमारे जियागुड़ा एक पुराना स्लम है जिसमें लोग कम से कम 575 फैमिलीज यहाँ पर रहते थे। प्रधानमंत्री आवास योजना में हमको डबल बेडरूम मिला, 24 घंटे पानी मिला और लाइट मिली। सुनामी में हमारा घर बह गया था। अब जाकर बचे हुए बेघर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से लोन मिला है जिससे हमने अपना नया घर बनवाया है। हम बहुत खुश हैं। कल के भारत का सही नागरिक वही है जिसके लिए किसानी सबसे बड़ा मजहब हो और किसानों की तरक्की सबसे बड़ा मकसद। फसल उगाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। फसल खराब हो जाने से जिंदगी मुश्किल में पड़ जाती है। पिछले साल हमारी फसल खराब हो गई थी। सरकार ने 3 महीनों में हमारे नुकसान का पैसा दे दिया। पंचायत में हम लोग को बोला गया कि बताया था आप प्रधानमंत्री योजना इंश्योरेंस आप करो, करना से आपका फसल कोई भी खराब हो जाना पर पैसा मिल सकता है। देख दुख के हम लोग को जो टेंशन था वो टेंशन बीमा करने से हम लोग का दूर हो गया। प्रधानमंत्री बीमा आल्यानंतर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आते ही हमारी फसल का अगर कुछ भी नुकसान होता है तो हमें तुरंत मुआवजा मिल जाता है। आधा एकड़ कपास और सोयाबीन की फसल के लिए बीमा करवाने के लिए हमने 256 रुपए भरा था। बरसात कम होने की वजह से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन सरकार ने हमें 10,000 रुपए का मुआवजा दिया। 10,000 रुपए बैठ ले। सुझाए गए हैं पते नए रास्तों के, बिछाए गए हैं नए मील के पत्थर, दरवाजे पे मौके को खड़ा भी कर दिया गया है, कंधे पे नए सितारे दिखने लगे हैं, आंखों में नया सवेरा जगने लगा है। DDUGKY करीमनगर लो ईडब्ल्यूआरसी अने ट्रेनिंग सक्सेसफुल गा रन अवडम जरुगुतुंदी। DDUGKY करीमनगर में हमारा ट्रेनिंग कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहा है जिसका मकसद है ग्रामीण युवा बेरोजगारों को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार दिलाना। मुझे यहाँ काम करते 7 महीने हो गए। अब मैं अपने फैमिली को आर्थिक मदद दे पा रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ।
डीडीयू जीकेवाई में मैंने वही मतलब बहुत अच्छा काम मिला क्योंकि 9 मंथ का एक कोर्स करने को मिला। तो अभी मैंने मेरा एक ही लक्ष्य कि जो 9 मंथ का कोर्स वो भी ऑटोमोबाइल का, अभी मेरा वो कोर्स मैंने कंप्लीट करना है और मेरा पापा का सूस मैंने पूरी करना है और जॉब करना है तो करना है। डीडीयू जीकेवाई के अवेयरनेस के लिए हम लोग गांव में आते हैं और हर गांव में आके उन लोगों के अवेयरनेस कैंप बिठा के उन लोगों को बताते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। साथ में हम लोग डोर टू डोर विजिट करते हैं ताकि उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके इस स्कीम के बारे में। ये बात तो तय है कि डिजिटल इंडिया ही कल के भारत का सही प्रतिबिंब है, इसलिए अब गांव की जरूरत इस नई जुबान को समझने लगी है। जो उंगलियां बस बर्तनों पे चलती थी वो अब मशीनों से मिलने लगी हैं। मणिपुर की करांग आइलैंड को कैशलेस डिक्लेयर करने के बाद अब यहां टूरिस्ट का आना काफी बढ़ गया है और डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी भी बढ़ रही है क्योंकि सब डिजिटल पेमेंट यूज कर रहे हैं। भीम, जो कि गवर्नमेंट एप्लीकेशन है, उसे फोन में यूज करके यहां का कारोबार पूरी तरह से कैशलेस हो गया है। जब ग्राहक हमारे पास आता है तो सबसे बड़ी दिक्कत हमें खुले पैसों की होती है। जब से सब्जी मंडी में कैशलेस पेमेंट शुरू हुआ है तब से हमारे खुले की दिक्कत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब हमारे सारे काम फोन से हो जाते हैं और हम बहुत खुश हैं। नो कैश आवर्स जो सरकार ने लागू किया है उसे धीरे धीरे लोग जागरूक होते जा रहे हैं और ये बहुत अच्छा साबित हो रहा है। प्रमोशन ऑफ डिजिटल पेमेंट के लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और स्पेशली दमन एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स किए और बैंक के साथ मिलके जो फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप्स होते हैं उसमें भी लोगों को, शॉपकीपर्स को, रिटेलर्स वगैरह को इकट्ठा करके उनको भी बताया कि कैसे डिजिटल पेमेंट किया जा सकता है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बांका की ये लड़कियां सिर्फ स्कूल नहीं जा रही हैं, पछाड़ रही हैं पिछड़ेपन को। मेरा मोबाइल ऐप के जरिए बांका के बच्चे जब सवाल पूछते हैं उन्हें दुनिया भर से जवाब मिलते हैं। कल तक हमारा विद्यालय बांका जिले का सबसे पिछड़ा विद्यालय था। पहले तो नहीं जाते थे क्योंकि अच्छा नहीं लगता था जाने में और पढ़ने में क्योंकि टीचर्स नहीं थे। आज हमारा विद्यालय बांका जिले का एक अग्रणी विद्यालय है और उन्नयन के पायलट प्रोजेक्ट टीम में है। हम इन गरीब तबके के बच्चों को जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उन्नयन प्रोग्राम से जो हम स्मार्ट क्लास के थ्रू इन्हें डॉक्टर इंजीनियर बनाए तो ये उन्नयन का एक बहुत ही अच्छा सार्थक प्रयास हो। अगर आज का भारत बनाना है तो नीति और नीयत दोनों मजबूत करने होंगे। संस्थानों की स्थापना के उद्देश्य को सबल बनाना होगा, क्रियान्वयन की कठिनाइयों को लांघकर नई नई क्रांति को जन्म देना होगा। जीएसटी का जो टैक्स रिफॉर्म नहीं बल्कि की रिवॉल्यूशन जो देश में हुआ है उसके लिए दो चीज जिम्मेवार है। जो पॉलिटिकल कमिटमेंट इस रिफॉर्म के पीछे है वो है जब राज्यों और केंद्र के अधिकारी मिलके किसी चीज को लागू करने की कोशिश करते हैं तो कितना सुंदर परिणाम मिलता है। मुझे गर्व है अपने उन अधिकारियों के ऊपर जिन्होंने रात दिन लगा के इस रिफॉर्म को समय से लागू करने में हमारी मदद की। आज के भारत में आंदोलन के विषय भी बदल रहे हैं। किसने सोचा था जन आंदोलन की सूची में स्वच्छता अव्वल आएगी? किसने सोचा था आदर्श ग्राम की परिभाषा में स्वच्छता को भी समृद्धि से जोड़ा जाएगा? अब भारत सिर्फ गांव के देश से स्वच्छ गांव का देश बन रहा है।
कदम जितने सहज होते हैं नीयत उतनी ही सुदृढ़ होती है। इस बात की गवाह है ये नई नई ऊंचाइयां। आसान हो रहा है सिर अब उठाना, यहां की मिट्टी में पांव जमाना। आसान हो रहे हैं वो हर कायदे जिनमें उलझी थी हमारी तरक्की। अगर हम देश को एक संपूर्णता में देखें, एक लिविंग एंटिटी की तरह देखें, तो आज जो पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे देश में आया है वो पहले कभी नहीं था। देशवासियों का अपने आप पर भरोसा, देश पर भरोसा किसी भी देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का सबसे ताकतवर मंत्र होता है। ये मत सोचिए कि सिर्फ कुछ लोग मिलकर बदलाव नहीं ला सकते हैं, क्योंकि आज तक हर बदलाव की शुरुआत कुछ लोगों से ही हुई है। और सत्य के इसी उत्सव का नाम है सिविल सर्विसेज डे।